अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल में चटपटा चना दाल चाट रेसिपी। ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी है जिसको उबली हुई चना दाल भी कहते हैं। चलिए बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बनाते हैं। एक कप चना दाल लिया है मैंने यहाँ पर, एक घंटे के लिए भिगो दिया था इसे, अच्छे से भीग चुकी है ये। अब सॉस पैन लेंगे, उसमें चना दाल डाल लेंगे हमारी, और 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे इसको जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए दाल अच्छे से पकने लगी है, ऊपर जो झाग जैसा आ रहा है हम उसको निकाल लेंगे और ऐसे ही पकने देंगे जब तक हमारी दाल गल ना जाए। दाल को चेक कर लेंगे कि वो अच्छी तरह से गल गई है या नहीं। देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है हमारी। अब इसको स्लो फ्लेम पे 2 मिनट्स के लिए पकाएंगे, फिर फ्लेम ऑफ करके साइड में रख देंगे। ये देखिए दाल स्ट्रेन कर लिया है मैंने, और इसको पूरी तरह से अच्छा ठंडा होने देंगे। अगर ठंडी नहीं होगी, आप इसमें प्याज टमाटर ऐड करेंगे तो वो पानी छोड़ेंगे। ये हमारी दाल ठंडी हो चुकी है, इसमें जाएगा काला नमक, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची 1/2 टीस्पून, 1/2 चॉप्ड ऑनियन लिया है मैंने यहाँ पर, 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, चॉप कर लिया था उसे, कटी हुई कोथमीर डालेंगे इसमें, लेमन जूस ऐड किया है, नींबू का रस 1 डालेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अनार ऐड करेंगे, ये मेरी बेटी है जो मेरी हेल्प कर रही है वीडियो में। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, और ये देखिए हमारी दाल चटपटी चाट बिल्कुल रेडी है, चना दाल चाट सर्व करने के लिए। आप इसे सर्व कर लें। अगर आपको ठंडी पसंद है तो आप फ्रिज में रख कर भी ठंडी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे सर्व कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की है या नहीं। और आगे भी ऐसे ही रेसिपीज लेकर मैं ज़रूर आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। अपना और अपने का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।